सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। जीवन एक बहुत ही सरल परीक्षा है, लेकिन अधिकतर लोग एक दूसरे की नकल करने के कारण फेल हो जाते हैं, जबकि प्रश्न पत्र सबका अलग अलग होता है। वह व्यक्ति जिसे खुद पर भरोसा होता है वह अंत में दूसरों का भी भरोसा जीतने में कामयाब रहता है। जीवन की गुणवत्ता इस बात पर निर्भर करती है कि दिमाग में किस प्रकार के विचार आते हैं। आज का पंचांग 6 अगस्त 2020, दिन गुरुवार, सावन मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि, रात्रि 12:15 तक रहेगी। इसके उपरांत चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। शतभिषा नामक नक्षत्र सुबह 11:18 तक रहेगी। इसके उपरांत पूर्व भाद्रपदा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ मुहूर्त 2:03 से 3:40 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ मुहूर्त 12:00 से 12:51 तक रहेगा। आज चंद्रमा कुंभ राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य कर्क राशि पर रहेंगी। मीन राशि 6 अगस्त 2020, दिन गुरुवार, आप अभी जीवन में आ रही बाधाओं और स्वास्थ्य समस्याओं के कारण आध्यात्मिक उत्तरों की खोज कर रहे हैं। बुजुर्गों की सलाह सुने और बुरी आदतों से दूर रहें। इसके बजाय अपनी बैटरी को रिचार्ज करने के लिए इस समय निकालें ताकि आप फिर से कड़ी मेहनत करने के लिए तैयार हों। वातावरण बहुत खुशनुमा है, आज आप सही दिशा पा सकते हैं जैसे आप सही कदम उठाएंगे और विजय की तरफ दृढ़ता पूर्वक आगे बढ़ेंगे। अपने अंदर एक शक्ति महसूस करेंगे और इस शक्ति का प्रयोग अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए करें। याद रखें, दिमाग में कुछ भी असंभव नहीं है, क्योंकि असंभव में ही संभव शब्द आता है। पिछले कुछ समय की थकान भरी दिनचर्या से आज राहत मिलेगी। साथ ही समय नजदीकी लोगों के साथ मनोरंजन संबंधित आमोद प्रमोद में व्यतीत होगा। बच्चों की किलकारी से संबंधित कोई शुभ सूचना भी मिल सकती है। आज के दिन आपके लिए लोगों के सहयोग से सफलता मिलने का है। पूरा समय आपके लिए किसी न किसी तरह की समस्या से सामना करने की परिस्थितियां बनती रह सकती है, जिन्हें आप सहयोगियों की मदद से दूर कर पाने में कामयाब होंगे। आपके लिए दिन मीटिंग में बिताने और शाम को अपने परिवार के लिए समय निकालने का है। सावधानियां, कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह अवश्य लें। जमीन जायदाद से संबंधित कागजी कार्यवाही को बहुत अधिक ध्यान से करें, किसी प्रकार की धोखाधड़ी हो सकती है। लव लाइफ की बात करें तो आज का दिन धन व्यय के लिए नुकसानदायक है, इसलिए सोच समझकर खर्च करें। रोमांस से भरपूर इस दौर का मजा लेने के लिए सबसे पहले अपने साथी की इच्छा जानना जरूरी है। प्यार में मिले धोखे को भूल जाएं और याद रखें कि रात के बाद ही सवेरा होता है। बड़े कदम उठाएं और मजबूत दृढ़ संकल्प के साथ जीवन में अपना ध्यान केंद्रित करें। यह न केवल आपके कार्यस्थल बल्कि अपने रोमांटिक जीवन में सकारात्मक प्रभाव डालेगा। आपकी लव लाइफ इससे शांतिपूर्ण और प्रेममय बनेगी। पूरे जोश और उत्साह से अपने जीवन की इस लम्हे का स्वागत करें। करियर की बात करें तो आज आप खुद को अध्यात्म की ओर आकर्षित महसूस करेंगे, इसलिए आपको दान और नॉन प्रॉफिट काम करने में भी आपकी रुचि हो सकती है। सफलता का स्वाद लेने के लिए अपना ध्यान केंद्रित करें और अपनी सोच में परिवर्तन लाएं। धन के नुकसान से बचने के लिए सोच समझकर व्यय करें। इस वक्त दुनिया की ऊर्जा आपको अपनी ओर आकर्षित कर रही है। आप अभी ऊर्जा से भरपूर हैं, किंतु अपनी इस ऊर्जा का प्रयोग सही दिशा में करें।
अगर आप विफलता का सामना अच्छे से करते हैं तो यह आपको शिक्षा ही प्रदान करेंगी। आपका शांत स्वभाव आज आपको आराम देगा और आपको तारीफों का पात्र बनाएगा। सेहत की बात करें तो आज आप अपने शारीरिक स्वास्थ्य पर ना ध्यान लगाकर अपने मानसिक सुधार पर ध्यान देंगे। आज आप परेशान रहेंगे और आत्मविश्वास भी कम रहेगा। अगर आप किसी परेशानी से जूझ रहे हैं तो उसे खत्म करने का समय आ गया है। आपका मूड गंभीर तो नहीं रहेगा मगर इससे दुष्ट प्रभावित होंगे, इसलिए आप आज कुछ समय निकाल कर इसका कारण जानने की कोशिश करें। आज का उपाय, आज आप केले के पेड़ की पूजा करें, शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका दिन शुभ हो।